हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए 125 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पेशेंस बना करके देखना होगा, 125 क्वेश्चंस। वीडियो लंबा होगा बट आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। एंड दोस्तों, धैर्य बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको डर बना रहेगा हर एक क्वेश्चंस में। प्रैक्टिस से ही परफॉर्मेंस बढ़ेगा एंड आपको क्लियरेंस बढ़ेगा कि आप कहाँ तक सक्षम है और क्या क्या अभी कमियाँ हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने यदि एमपी टेट दिया हुआ है तो उसका जो मेन एग्ज़ाम है वह सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। एंड और स्टेट जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एलटी ग्रेड एंड अदर स्टेट के किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के टॉपिक, चाहे आप थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइनर क्वेश्चन, सभी चीज़ें मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए और सभी चीज़ों को अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, 1% डिमोटिवेट नहीं होइएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अगर हम किसी सिक्के को 4 बार उछालें तो उसमें हेड और टेल आने की संभावना कितनी बार होगी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 16 बार। नेक्स्ट है, मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता यानी फिटनेस और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं एंड मापन करते हैं, उसके बाद जो परिणाम आता है तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, किस में अंकित करते हैं दोस्तों, संख्या में। तो यहाँ पे संख्यात्मक आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, 4 से 6 घंटा लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक? 4 से 6 घंटा लग जाता है। इसलिए आप जानते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से 1.4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, बट 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन फिर भी हम वसा कम यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, यानी तुरंत एनर्जी देती है, जबकि वसा जो है बहुत देर के बाद उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इसलिए जैसे कि आपने कभी वसा युक्त भोजन खा लिया तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती, जो कार्बोहाइड्रेट है तुरंत पच जाता है, लेकिन वसा पचने में देर लगता है। तो जो सैचुरेटेड जो फैट है, जो ओमेगा एसिड ओमेगा 30 जिसमें पाया जाता है 3, जैसे कि बादाम मूँगफली, ये सब आपके लिए शरीर के लिए लाभदायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि 2 प्रतिदर्शों के मध्य क्या दोनों में समान भेद को बताता है। टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि 2 प्रतिदर्शों के मध्य दोनों में समान भेद है, इस चीज को बताता है। नेक्स्ट दोस्तों, पूर्ण मांसपेशीय टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित है। तो दोस्तों, पूर्ण मांसपेशी टोन जो है प्रत्युत्तर समय से सर्वाधिक संबंधित है, यानी कि आप गतिविधि मूवमेंट करते हैं, व्यायाम करते हैं, एरोबिक एनएरोबिक और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो उसके बदले में जो प्रत्युत्तर समय होता है उससे पता चलता है कि आपकी मांसपेशी टोन कितना
अच्छा है। नेक्स्ट है कबड्डी खेल मैदान में बक लाइन और बोनस लाइन के बीच कितनी दूरी होती है दोस्तों? तो बक लाइन और बोनस लाइन के बीच में दूरी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। ठीक है, कबड्डी का मैदान जो है वह पुरुषों के लिए कितना होता है? कबड्डी का मैदान पुरुषों के लिए 10 × 13 × 10 मीटर लंबाई चौड़ाई, और महिलाओं के लिए 12 × 8 मीटर। ठीक है, इसमें बक लाइन होता है सेंटर लाइन से 3.75 मीटर दूर, एंड बोनस लाइन से बक लाइन की दूरी दोनों के बीच की 1 मीटर होती है, एंड इंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी जो होती है 1.75 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षण की वैधता यानी वैलिडिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है? दोस्तों वैलिडिटी यानी कि जिस परीक्षण को जिसके लिए बनाया गया है वही माप रहा है कि नहीं, वो देखा जाता है, तब कहा जाता है कि वैलिड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध करके यह देखा जाता है कि परीक्षण को जिस लिए बनाया गया है क्या वह वही माप रहा है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सबको पता है 1991-92 में हुआ था, 1991-92 में हुआ था। लेकिन बात यह है दोस्तों कि वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बना दिया गया है, एंड इसमें 25 लाख धनराशि दिया जाता है, और प्रथम पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को चेस यानी शतरंज में दिया गया था, एंड 2022 में इसको या मात्र एक खिलाड़ी को दिया गया है, अचंत शरत कमल को टेबल टेनिस में। और यह देश का खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स द्वारा प्रत्येक वर्ग सेमी क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 से 4 किलोग्राम। नेक्स्ट है 30 सेकेंड सीटअप से इनमें किसका परीक्षण होता है? तो दोस्तों सीटअप से हमारी जो पेट की मसल्स होती है उसमें शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, पेट की शक्ति सहन शक्ति और गति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दाब का दायरा कितना होता है? तो सिस्टोलिक दाब का दायरा होता है 110 से 130 mmHg। नेक्स्ट है किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश के सामंजस्य के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। नेक्स्ट है लाल तंतु से बने स्लो ट्विस्ट मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में मांसपेशी तंतु 2 प्रकार का होता है, एक रेड मसल फाइबर एक व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर स्लो ट्विस्ट फाइबर होती है, धीरे धीरे संकुचित होती है, जो सहनशीलता वाले खेलों एरोबिक क्षमता वाले खेलों में अधिक प्रयोग होती है, एंड जो स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी कि व्हाइट मसल फाइबर होती है वो जल्दी जल्दी संकुचित होती है, जो अनएरोबिक यानी कि कम समय की क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पे लाल तंतु स्लो ट्विस्ट फाइबर पूछा है तो किसके लिए उपयुक्त होगा? सहन शक्ति के लिए। किसके लिए? सहन शक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना को जाना जाता है? तो दोस्तों शून्य परिकल्पना को वैकल्पिक परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। शून्य परिकल्पना को वैकल्पिक परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में न्यूल हाइपोथीसिस बोला जाता है शून्य परिकल्पना को। इसको वैकल्पिक परिकल्पना की प्रतिलाभ एक प्रकार का है यह, जिसमें यह
कल्पना करते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इसे HO से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया था दोस्तों? तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह है, जिसका निर्माण किया था पेरेन पियर डी कुबर्टिन ने 1913 में और 20 में इसको सबसे पहले फहराया गया। नेक्स्ट है, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन कब पहुंचता है? तो टीशू में, ठीक है, टीशू में हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में उसमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना गया है? तो वह है सक्षम नेतृत्व। नेक्स्ट है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने की संख्या में खनिज यानी कि मिनरल्स को आवश्यक माना गया है? तो 21 तत्व तो होते हैं कुल। नेक्स्ट है, इनमें से किनको स्कूल में होने वाले इंट्रामुरल समिति का चेयरमैन होना चाहिए? तो इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल। इंट्रामुरल चार दीवारी है, स्कूल के अंदर या संस्था के अंदर ही प्रतियोगिता होती है, और एक्स्ट्रामुरल क्या होता है कि दो संस्थाओं के बीच प्रतियोगिता होती है। तो यहाँ इंट्रामुरल पूछा है कि स्कूल में होने वाले इंट्रामुरल कमेटी का चेयरमैन किसको होना चाहिए? तो यहाँ पे इंट्रामुरल के निदेशक को होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से किसे कौशल सीखने की दृढ़ समझा जाता है दोस्तों? तो बार बार मैं बोलती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस ही कौशल को सीखने की दृढ़ समझा जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षक पर शिक्षण भार इनमें किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या से निर्धारित होना चाहिए शारीरिक शिक्षक पर शिक्षण भार, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि मूवमेंट होती है दोस्तों? तो हमारे स्पाइन में चार प्रकार की गतिविधि मूवमेंट होती है, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन दो हो गया, रोटेशन तीन हो गया, एंड लेटरल फ्लेक्शन यानी कि बगल में जो गति होती है, ठीक है, इस प्रकार चार यहाँ पे गति मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक लुडविग जान ने जर्मनी में किस प्रकार जिम्नास्टिक की शुरुआत की? तो उन्होंने देशभक्ति जिम्नास्टिक की शुरुआत की, ठीक है, ये जर्मनी के थे। जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह गर्समर्स को बोला जाता है, ठीक है, जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह गर्समर्स को बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रीय एकता में उसको जिम्नास्टिक में देशभक्ति की भावना से शुरू किया तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने शुरू किया। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो 5 सेंटीमीटर होती है, सबसे चौड़ा आपका फुटबॉल का होता है, 7 कितना होता है 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर सबसे चौड़ा होता है। उसके बाद हॉकी का होता है 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर और सबका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका बैडमिंटन का 4 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है, तो श्वास छोड़ने पर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जैसे कि हमारे वातावरण में वायुमंडल में 20-21% जो है आपका ऑक्सीजन होता है, जो हम श्वास लेते हैं तो उतना ही हमारे श्वास लेने में जाता है, तो वापस इंस्पायरेशन में 20% जाता है, तो एक्सपायरेशन यानी कि बाहर निकालने में कितना बाहर आता है 16%, कितना बाहर आता है
16%। उसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में होता है 0.03% होता है, बट जब हम सांस छोड़ते हैं तो 4.04% बाहर आता है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है दोस्तों? तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा कार्य करता है बायां वेंट्रिकल, यानी कि बायां नीले, ठीक है, बायां नीले। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या निर्धारित करना है दोस्तों? यहाँ पे शारीरिक विकास को देखना है उसको, मानसिक विकास को बढ़ाना है एंड सर्वांगीण विकास करना है। ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिक के अनुसार स्वस्थ रखने के लिए कम से कम कितना कठिन व्यायाम करना चाहिए दोस्तों? स्वस्थ रहने के लिए वैज्ञानिकों के अनुसार कितना डेली बेसिस पे व्यायाम करना चाहिए? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन कम से कम, ठीक है, आधा घंटा डेली, आधा घंटा करिए, और कम से कम आप नहीं कर पा रहे हैं तो सप्ताह में 3 दिन अवश्य करिए, ठीक है, इतना आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त को फिल्टर करती है? तो प्रत्येक घंटे में 2 बार किडनी जो है फिल्टर करती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि रक्त को फिल्टर कौन करता है? तो किडनी करता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है दोस्तों? तो वो है डीएनए जांच द्वारा। डीएनए जांच द्वारा कोई भी अपनी परिचय को अब छुपा नहीं सकता। सब व्यक्ति में जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस है शारीरिक तौर पर, वो डीएनए जांच द्वारा पता चल जाता है। नेक्स्ट है, मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी 42.195 किलोमीटर यानी कि 26 मील 385 गज होता है। नेक्स्ट है, सभी मनोवैज्ञानिकों को लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है। तो दोस्तों एक खेल एक सांस्कृतिक, यानी कि बचपन से ही, जन्म से ही वो शुरू हो जाता है। तो यह एक क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है, यानी कि संस्कृति की पूर्वीय स्थिति है, पहले से ही विद्यमान है। नेक्स्ट है, फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन गतिविधि यानी मूवमेंट प्रदर्शित किया जाता है? जब हेड पास किया जाता है तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जो गर्दन होती है ऊपर और नीचे करता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 16 होती है। नेक्स्ट है, एशियन खेल के जनक कौन है दोस्तों? तो जीडी सोंधी है, प्रोफेसर जीडी सोंधी, यानी कि इसका पूरा नाम है प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी, जो एशियन खेल को शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाए हैं, इसलिए इनको एशियन खेल का पितामह कहा जाता है। ओलंपिक खेल का पितामह किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है? बैरन फिरेडी कुबर्टिन को। नेक्स्ट है, खो खो में डाइविंग के समय के बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ आवश्यकता होती है अचूकता एक्यूरेसी की, एकदम दिमाग लगाने की, एक सक्षण में पहचानना होता है, बहुत तेज यानी रफ्तार की गेम होता है। नेक्स्ट है, 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्ट्रेगर कितनी दूरी पर होता है? तो दोस्तों पहला स्ट्रेगर 0.0 होता है, तो तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे 14.71 मीटर। कितना? 14.71 मीटर, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया हुआ है दोस्तों स्ट्रेगर निकालने का, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा जिसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सूत्र आपको तो याद होगा। नेक्स्ट है, दिए गए खेल सामग्री का वजन के अनुसार घटते क्रम में लिखना है आपको।
डिस्कस थ्रो गोला फेंक यानी शॉट पुट एंड जेवलिन थ्रो दिया हुआ है। तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा किसका है इसमें, सबसे ज्यादा है गोला फेंक, तो सबसे पहले 2 हो जाएगा। ठीक, गोला फेंक का 7.26 किलोग्राम है, 7.26 किलोग्राम। उसके बाद किसका है डिस्कस थ्रो का, तो पहला हो जाएगा डिस्कस थ्रो का कितना है, पुरुषों के लिए 2 kg और महिलाओं के लिए 1 kg। उसके बाद भाला फेंक पुरुषों के लिए 800 ग्राम और महिलाओं के लिए 600 ग्राम, इसलिए 2, 1, 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे क्वार्टर के मध्य में मध्यांतर यानी हाफ टाइम कितना होता है दोस्तों, तो 15 मिनट होता है। यानी कि बास्केटबॉल खेल जो होता है 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 10-2-10 एंड मध्यांतर 15 मिनट का, फिर 10-2-10 होता है, ठीक है, यानी कुल 40 मिनट का होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता, तो दोस्तों जो अनुवांशिक कारक होता है कौन सा अनुक्रम विशेषता होता है, जो आदमी का रंग रूप कलर होता है उस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, संभव ही नहीं होता, तो वंशानुक्रम विशेषता ऐसा है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सामान्यता पाठ्यक्रम को समझा जाता है, तो दोस्तों पाठ्यक्रम क्या होता है, किसी संस्था द्वारा निर्धारित होता है कि यहाँ पे ये पाठ्यक्रम होगा, तो किसी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही सामान्यता पाठ्यक्रम समझा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन गतिविधि समूह में सिखाना कठिन होता है, तो समूह में सिखाना इनमें से कौन कठिन होता है, तो यहाँ पे ड्रिल एंड मार्चिंग समूह में सिखाया जा सकता है, योगासन है, संगीत सिखाया जा सकता है, बट जिम्नास्टिक को नहीं सिखाया जा सकता। नेक्स्ट है सामान्य पाठ योजना की तुलना में विशेष पाठ योजना कैसा होता है, तो सामान्य पाठ योजना की तुलना में विशेष पाठ योजना जो है लघु और विषय केंद्रित होता है, ठीक है, जिस चीज का आप स्किल सीख रहे हैं उस स्किल से रिलेटेड विशेष यानी कि विशेष पाठ योजना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है दोस्तों, तो कुश्ती के खिलाड़ी के विजेता को भारत केसरी की उपाधि दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकोमा संक्रमण है, तो दोस्तों ट्रेकोमा जो है आंख का संक्रमण है, किसका है, आंख का संक्रमण है। नेक्स्ट है इनमें से कौन शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो यादाश्त, ठीक है, यादाश्त सीखने के पर्यायवाची के रूप में, यानी कि आपको यदि कोई आप सीखे हैं आपको याद है आप उसको सीख गए हैं तभी तो माना जाएगा कि वो सीख लिया है यानी कि याद हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडिटोरियल मुकाबला होता था दोस्तों, तो वह रोम में होता था, कहाँ पे होता था, रोम में सैनिक प्रशिक्षण का जगह होता था जिसे ग्लेडिटोरियल बोला जाता था। नेक्स्ट है भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ 1909 ईस्वी से हुआ। नेक्स्ट है मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है क्या है दोस्तों, उचित व्यायाम, उचित और पर्याप्त व्यायाम करना, क्या है, उचित और पर्याप्त डेली बेसिस पर आप व्यायाम करने हैं कर रहे हैं तो आपका मांसपेशी टोन एकदम मस्त रहेगा। नेक्स्ट है माइलो जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया और कौन सा खिलाड़ी था, किस खेल से रिलेटेड था माइलो, तो कुश्ती से रिलेटेड था, यह प्राचीन ओलंपिक खेल में 6 बार भाग लिया था। नेक्स्ट है शरीर रचना एनाटॉमिकल भाषा में हृदय के मांसपेशी को क्या कहा जाता है, तो मायोकार्डियम बोला जाता है, ठीक है, जबकि हृदय मांसपेशी हृदय 3 मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, सबसे बाहरी परत पेरिकार्डियम,
थी मध्य परत मायोकार्डियम एंड अंदरूनी परत इंडोकार्डियम। नेक्स्ट है आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या तलाशना है। आदर्शवाद के जनक हैं प्रतिपादक है प्लेटो और इसमें आपको आदर्शवाद किस पर उद्देश्य तलाशना है, सत्य सुंदरता और अच्छाई को तलाशता है। नेक्स्ट है थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग कर सीखने के ट्रायल एंड एरर सिद्धांत को दिया था, तो छोटे जानवरों पर, जैसे इन्होंने ट्रायल एंड एरर सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया है। इन्होंने सीखने के तीन मुख्य सिद्धांत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दिया है। नेक्स्ट है कोई भी मापन तब प्रभावी माना जाता है जब यह कार्यान्वित किया जाता है, तो कोई भी मापन हो उसको कब प्रभावी प्रमाणित प्रभावी माना जाता है कि वह अच्छा है, कब, जब वह उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तो वह प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट है कितनी रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य किया जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी NCT द्वारा कितनी रीजनल समिति में कार्य किया जाता है, तो 4। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र अधिकतम कितना होता है, तो 120 दिन होता है। इन्हीं लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करके समस्त शरीर की कोशिकाओं में परिवहन करता है, भेजता है, जहाँ पे कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ऊर्जा बनाता है ATP के रूप में, जो हमारे शरीर के कार्य करने में ऊर्जा प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है बैरन पियर डी कुबर्टिन किस देश के रहने वाले थे दोस्तों, तो फ्रांस के थे। इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक को शुरू किया और आधुनिक ओलंपिक के पितामह कहे जाते हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद खेल में यानी प्ले इन में होता है, तो जब गेंद अपने परिधि भर दूर आगे जाने पर वह प्ले इन यानी कि खेल में होता है। नेक्स्ट है व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को क्या कहते हैं, तो एरोबिक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोबिक क्षमता। एक होता है VO2 मैक्स, जीओ वायु धारक क्षमता, यानी कि वायु, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन, अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि एक व्यक्ति की अभ्यास के दौरान जब अधिकतम हृदय दर हो जाए उस दौरान एक मिनट में जितनी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसे हम उसका VO2 मैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्र रखने में सक्षम नहीं होता है, तो कौन सा तत्व होता है दोस्तों? विटामिन्स ऐसा है जो शरीर जो है एकत्र रखने में सक्षम नहीं हो पाता। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा है, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मांसपेशियों में एकत्रित करता है एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड के रूप में एंड वसा को फैटी एसिड या ग्लिसराल के रूप में एडिपोज टिश्यू के रूप नीचे जमा किया जाता है। बट विटामिन्स को डेली बेसिस पर लेना अति आवश्यक होता है क्योंकि यह हमारे शरीर में जमा करने एकत्र रखने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट है मांसपेशीय तंतु के संकुचन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट को क्या कहते हैं, यानी कि कौन सा तत्व जो है उसमें सिकुड़ता है, फैलता है, तो जो मायोफाइब्रिल होता है वह जो मांसपेशी तंतु होता है इसमें दो फिलामेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पर फिसलता है जिससे मांसपेशी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। एंड मांसपेशी तंतु की संकुचन की इकाई सार्कोमियर को बोला जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट बोला है इसलिए आपका मायोफाइब्रिल हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलकूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है। स्कोलियोसिस क्या होता है? जो हमारा रीढ़ की हड्डी होता है उसमें तिरछापन आ जाता है, यानी कि हिप एक तरफ और कंधा दूसरी तरफ मुड़ जाता है,
तो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्कोलियोसिस विकृति होती है वो किस में देखा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है जिमनास्ट और तैराक में। नेक्स्ट है पुरुष त्रिकूद यानी ट्रिपल जंप में टेक ऑफ और जंपिंग पिट जो लैंडिंग एरिया होती है उसके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी होती है, तो 13 मीटर होती है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 11 मीटर। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, तो दोस्तों कलकत्ता में भी है, बंगलोर में है, पटियाला में है एंड पटना में नहीं है राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान कोई भी। नेक्स्ट है इनमें से किस व्यायाम और के दौरान मांसपेशियां संकुचन नहीं होता, तो किस व्यायाम के दौरान न मांसपेशी संकुचन होती है, न लंबाई बढ़ती है, न घटती है, लंबाई सेम बना रहता है, तो कौन सा व्यायाम होता है, आइसोमेट्रिक होता है। कौन सा होता है, आइसोमेट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक दिया ही नहीं है दोस्तों, आइसोमेट्रिक यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे योग हो जाएगा, ऐ क्या होगा, योग होगा, आइसोटोनिक तो होगा नहीं क्योंकि उसे मांसपेशी की लंबाई घटती बढ़ती है, आइसोकाइनेटिक में भी सेम गति होती है, मांसपेशी लंबाई घटती बढ़ती है एंड यहाँ पे विस्फोटक बैलिस्टिक में भी नहीं होगा, योग ही आपका यहाँ पे राइट होगा क्योंकि आइसोमेट्रिक दिया नहीं है, नहीं तो इसमें आइसोमेट्रिक राइट होता, इसलिए कोई राइट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, तो दोस्तों जहाँ पे समस्त भार कार्य करता है वहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आपको पता है कि समस्त वस्तुओं में भार किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी में एक शक्ति होती है, एक गुण है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे आप गेंद को ऊपर की तरफ फेंकेंगे नीचे की तरफ ही आएगा, क्यों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जहां समस्त बल कार्य करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहते हैं, तो भार जहां पे समस्त भार कार्य करे। नेक्स्ट है खींचना यानी पुलिंग, धक्का देना यानी पुशिंग कौशल समानतः प्रयुक्त होता है, तो किसमें होता है दोस्तों, खींचते हैं और धक्का देते हैं, तो कुश्ती तीरंदाजी एंड रोइंग में ऐसा होता है। नेक्स्ट है प्लांटर फ्लेक्शन गतिविधि मूवमेंट केवल होती है, तो प्लांटर फ्लेक्शन जो होता है दोस्तों यह टखने यानी कि एंकल में होती है पैर के, जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार यानी रेसिस्टेंस एक्सिस और फोर्स के बीच में होता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार मापन किया जाना चाहिए, तो ओनली 2 बार। ठीक है, कितनी बार, 2 बार। नेक्स्ट है हृदय के किस भाग यानी चैम्बर में एरोटा जुड़ा हुआ होता है, एरोटा यानी महाधमनी दोस्तों, तो बाएं निलय में जुड़ा रहता है, किसमें, बाएं वेंट्रिकल में एरोटा जुड़ा रहता है। जब बाएं वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो एरोटिक वाल्व के रास्ते एरोटा यानी महाधमनी में जाता है और महाधमनी की बहुत सारी शाखाएं होती है जो समस्त शरीर में फैली होती हैं, समस्त शाखाओं में चली जाती हैं जिससे समस्त शरीर में रक्त पहुंचता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का विचार कहाँ से भारत में पहुंचा, तो इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचा भारत में, इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है, तो स्प्रेनली यानी कि स्प्रेन जो है लिगामेंट की चोट होती है, लिगामेंट के अधिक खींच जाने के कारण। तो लिगामेंट क्या करता है, 2 हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, तो यानी कि लिगामेंट और ज्वाइंट यहाँ पर राइट होगा, लिगामेंट एंड ज्वाइंट 1 और 4। 1 और 4 किस में दिया है, घ में। ठीक है, घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सॉकर खेल यानी फुटबॉल खेल में टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिया जाता है, दोस्तों तो फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें कोई टाइम आउट नहीं लिया जाता, ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। नेक्स्ट है खेल भावना जैसा नेतृत्व मूल्य खिलाड़ी किससे ग्रहण करता है, तो दोस्तों जो खेल भावना द्वारा नेतृत्व गुण होता है वह खिलाड़ी जो है अपने
शिक्षक और प्रशिक्षक या कोच से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या सारे शिक्षा की सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करता है दोस्तों? तो कार्यक्रम की आवश्यकता, क्या कार्यक्रम की आवश्यकता, जैसा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हम वस्तुओं को स्तर को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक बनावट यानी कि बॉडी कंपोजिशन एक महत्वपूर्ण अंश होता है किसका दोस्तों? मैंने डिटेल में बताया हुआ है, फिजिकल फिटनेस दो प्रकार का है, एक हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, एक मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी आते हैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो आपका बॉडी कंपोजिशन यानी शारीरिक बनावट आ जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी क्षमता खो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है। तो जैसे कि हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम की इकाई होती है न्यूरॉन, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है नर्वस सिस्टम। तो जो एक अकेला नर्व क्या करता है, एक अकेला नर्व केवल एक बार संकुचन होता है। नेक्स्ट है, कॉर्फ बॉल खेला जाता है। तो कॉर्फ बॉल जो होता है महिला पुरुष संयुक्त द्वारा खेला जाता है दोनों द्वारा। नेक्स्ट है, कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सबको पता है लैक्टिक एसिड के जम जाने के कारण थकान होता है कठिन व्यायाम के समय। नेक्स्ट है, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को किन दो रंगों में भेद करने में असुविधा होती है? तो लाल और हरा। लाल हरा कलर ब्लाइंडनेस रोग में लाल हरा रंग को देखने में दिक्कत होती है। यह विटामिन ए की कमी से होता है जिसको वर्णता यानी कि इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन भी इसको बोला जाता है। और यह आँखों में दो सेल होती है, कोन सेल और रोड सेल। तो वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस में कोन सेल ग्रसित हो जाता है जिससे रंगों में अंतर करने की क्षमता बाधित होती है, क्योंकि रंगों में पहचानने का कार्य कौन सेल करता है। एक होता है रोड सेल जो प्रकाश की मात्रा को अंधेरे उजाले में अंतर को फर्क को बताता है, जिससे वो जब रोड सेल खराब हो जाता है तो रतौधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ये दोनों रोग रतौधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस दोनों विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये चक्का फेंक यानी कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, समानता स्वास्थ्य को समझा जाता है। तो दोस्तों समानता स्वास्थ्य को समझा जाता है, लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? समानता स्वास्थ्य को शारीरिक विकार और रोग से मुक्ति समझा जाता है बट प्रोफेशनल रूप से इसका परिभाषा WHO ने दिया है कि केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही रोग से मुक्ति होना ही शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार की स्वास्थ्य को उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे प्रबंधन का मुख्य बिंदु कहते हैं? तो सभी में आपसी सहयोग और विश्वास ही प्रबंधन का मुख्य यानी मैनेजमेंट का मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अव्यवस्थित और परिभाषा से उपयुक्त मिलान करिए? ठीक है, तो इसको मिलान करना है जैव ऊर्जा जो होती है हमारी ATP से प्राप्त होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जैव ऊर्जा कहा जाता है, तो वन का वन ही होगा। ठीक है, एंड स्वास्थ्य जो होता है जीवन का आधार होता है, तो वन का वन हो जाएगा, टू का फोर हो जाएगा। एंड पोषण जो होता है दोस्तों वह होता है अच्छे स्वास्थ्य का मूल, बिना पोषण के अच्छा स्वास्थ्य नहीं हो सकता, तो चार का थ्री हो जाएगा और टू का फोर हो जाएगा, स्वास्थ्य जीवन का आधार है। और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा तो दिखता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितना ऊर्जा है, तो स्वास्थ्य झलक हो जाएगा, तो थ्री का टू। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। नेक्स्ट है,
किन तीन व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होता है दोस्तों, तो वह उसके अंदर प्रभावी आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य और उच्च स्तर की क्षमता होनी चाहिए, तब वो दूसरे शिक्षकों से अलग व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर, जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है उसे कहा जाता है अनैच्छिक, जिसको पावलोव ने क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत दिया था, जिसको कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन एरोबिक नहीं है। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की ग्रहण करने की अधिक क्षमता होना चाहिए, जैसे एंड्योरेंस यानी सहनशीलता वाले या ज्यादा समय की क्रियाओं में, तो क्रमबद्ध व्यायाम, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक, ये तीनों एरोबिक व्यायाम के अंतर्गत आएंगे, बट पद्मासन नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्राचीन परंपरा में सूर्य नमस्कार क्या था। तो सूर्य नमस्कार क्या है, एक व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम है जिसमें 12 स्थितियां होती हैं। नेक्स्ट है जीवन और खेलों के सक्षमता का क्या आधार समझा जाता है। तो जीवन और खेलों की सक्षमता का आधार समझा जाता है न्यूरोमस्कुलर शारीरिक नियंत्रण और न्यूरोमस्कुलर सामंजस्य। शारीरिक नियंत्रण और न्यूरोमस्कुलर सामंजस्य को खेलों में सक्षमता का आधार समझा जाता है। कोई भी खेल कर रहे हैं तो आपका शारीरिक नियंत्रण कोऑर्डिनेशन कैसा है और हमारा न्यूरॉन और मस्कुलर दोनों का सामंजस्य कैसा है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मसल्स अंगों का दोनों का तालमेल कैसा है, ये आपको सक्षमता होना चाहिए खेलों में। नेक्स्ट है किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस पर कार्य करता है। तो नॉर्म जो होता है, जैसे किसी परीक्षण को मापने के लिए अच्छे परीक्षण के होना चाहिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्ड। नॉर्म्स क्या होता है, जैसे आप परीक्षण कर लिए, मापन कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप स्तर निर्धारित करेंगे कि किस बालक का किस क्षमता के अनुसार कितना प्रदर्शन रहा है, एक प्रकार का आपका इवेल्यूशन यानी कि हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। तो यह होता होना चाहिए उम्र, लिंग और वर्ग के आधार पर। नेक्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार में वक्ष यानी चेस्ट का सही मापन लेना चाहिए। तो कब लेना चाहिए, सामान्य स्वास्थ्य के अंत में होना लेना चाहिए, जिसमें एक जो चेस्ट होता है सामान्य स्थिति में रहता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करती है। तो वह दोस्तों है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा काउंसिल। कौन संचालित करती है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा काउंसिल यानी कि नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, नेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर काउंसिल जो होता है वह NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये संवैधानिक संस्था है जो शारीरिक शिक्षा को प्रशिक्षण को संचालित करती है। नेक्स्ट है किसी खेल को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए वह खेल कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए। तो दोस्तों जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए वह खेल कितने देशों में खेला जाना चाहिए, जैसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो ओलंपिक होता है, तो शीतकालीन में भाग लेने के लिए कम से कम वह तीन महाद्वीप जो हैं उसमें से 25 देशों में खेले जाना चाहिए, जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कम से कम 4 महाद्वीपों में कम से कम 75 देशों में खेला जाना चाहिए। यहाँ 75 दिया नहीं है, इसलिए आपका 50 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार एक अच्छे समय सारणी में क्या होना चाहिए। तो एक अच्छे समय सारणी शैक्षिक व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, आप जैसे कि शिक्षक बनेंगे तो समय पर जाएंगे, समय पर आएंगे, ठीक है, यही तो आपका एक समय सारणी होता है, ठीक है, यही आपका एक समय सारणी होता है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, शिक्षक का नियमबद्ध और नियमित कार्य बाध्यता हो जाता है एक समय सारणी में। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किसने किया था। दोस्तों जेस निस्मिथ ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में अमेरिका में किया था। नेक्स्ट है खो खो पोल पोस्ट यानी पोल की जमीन से कितनी ऊंचाई होती है। दोस्तों तो 1.20 से 1.25 मीटर होता है ऊंचाई। नेक्स्ट है कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार कैसा होना चाहिए। दोस्तों
तो कार्बोहाइड्रेट युक्त तो होता है, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले, ठीक है। एंड जो बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं, एनएरोबिक क्षमता विकसित करने वाले, जैसे भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग वाले होते हैं, ये ज़्यादातर प्रोटीन लेते हैं। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है तो क्या है? जैसे कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शैक्षिक केंद्र में के अंतर्गत लक्ष्मीबाई सारी शिक्षा संस्थान एंड नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आता है, तो ये क्या है? खेल का एक शैक्षिक केंद्र है जिसमें प्रशिक्षण दिया जा दे करके अच्छे कोच तैयार किया जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा घ। तो अकादमिक साई के अकादमिक खंड के अंतर्गत शैक्षिक केंद्र में आपका पटियाला नेताजी सुभाष हो जाएगा एंड LNCPE। नेक्स्ट है, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी? तो उसमें हुआ था 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम BPE। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सार्कोमियर के जंक्शन को क्या कहते हैं? 2 सार्कोमियर के जंक्शन को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है जेड लाइन। क्या बोला जाता है? जेड लाइन। जैसे जो हमारा स्केलेटल यानी कि कंकालीय पेशी होता है उसमें क्या होता है? कंकालीय पेशी में एक्टिन और मायोसिन होता है। क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन होता है। तो एक्टिन और मायोसिन जो होता है उसे के एक्टिन के बीच में एक 2 जेड लाइन काटती है जिसको सार्कोलेवेंस बोला जाता है, जो मांसपेशी तंतु को घेरे रहती है, तो इसी को हम जेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड लाइन। तो 2 सार्कोमियर, ये भी है ये भी है, इसके बीच वाले जो एक्टिन और मायोसिन होता है तो बीच वाले भाग को सार्कोमियर बोला जाता है, तो इसके जो जंक्शन को कहते हैं जेड लाइन। तो यहाँ पे आपका राइट हो गया जेड लाइन। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1927 में सर दुर्गाबाजी टाटा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शोध का विषय नहीं हो सकता है? तो वस्तुएं हो सकता है, घटनाएं हो सकता है, मानव हो सकता है, बट विचार नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, लार्डोसिस पाया जाता है। लार्डोसिस में क्या होता है? एक शारीरिक विकृति है जिसमें बीच में कमर में गड्ढा हो जाता है और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, इसको लार्डोसिस बोला जाता है। ये ज्यादातर मोटी एवं गर्भवती महिलाओं में हो जाता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया यानी श्वास नली की लगभग कितनी लंबाई होती है? तो 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा वैज्ञानिक कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो प्रतिभा, खेलों में प्रतिभा खोज के लिए सबसे सबसे कौन सा वैज्ञानिक कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो प्रतिभा खोज के लिए सबसे मोटर गुणवत्ता होता है। क्या होता है? मोटर गुणवत्ता जो होता है सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारक होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया था? तो प्लेटो ने बताया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस संस्था को प्रतिवर्ष अंतर विद्यालय प्रतियोगिता कराने का उत्तरदायित्व तो होता है? अंतर विद्यालय यानी कि एक्स्ट्रा मुरल जो प्रतियोगिता होता है उसको कराने का उत्तरदायित्व तो यानी जिम्मेदारी किसके किसको होता है?
तो वह होता है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन का खेल प्रकोष्ठ का। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति यानी शोधकर्ता के लिए सबसे अच्छी शोध समस्या होती है? किसी व्यक्ति या शोधकर्ता के लिए सबसे अच्छी शोध समस्या क्या होती है? तो इसमें आपका वह एक जो उसके शोध निदेशक यानी सुपरवाइजर द्वारा सुझाया गया हो, ये तो नहीं हो सकता। वह एक जो दूसरे द्वारा प्रयास किया गया हो, वो भी नहीं हो सकता। एक शोध समस्या उसकी स्वयं की समस्या, नो। शोध समस्या इनमें से कोई नहीं आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत कब की गई? तो 1970-71 में किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं किया जाता? तो स्किन फोल्ड मापन शरीर के वसा का मापन, मोटापा का मापन किया जाता है। तो बाइसेप्स पर किया जाता है, पेट पर किया जाता है, कॉफ मांसपेशी पर किया जाता है, बट हथेली पर नहीं किया जाता। जहां पे पकड़ अच्छा हो वहां पे किया जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सार्वजनिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किया गया था शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में बृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं? दोस्तों, तो बृहद मांसपेशी सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है कुल्हे में, तो निम्न भाग में लोअर लिम्ब में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति एक मिनट में 12 से 20 बार श्वास लेता है। वही प्रशिक्षित व्यक्ति हो जाता है तो वो 8 से 10 बार लेता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में टॉप स्पिन का कारण होता है? तो निम्न कोण उछाल होता है। टॉप स्पिन का कारण होता है निम्न कोण उछाल। नेक्स्ट है कि सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता किस बैनर के अंतर्गत भाग लेते हैं? तो किस बैनर के अंतर्गत भाग लेते हैं सभी भारतीय खेल दल? तो भारतीय ओलंपिक संघ। किसके अंतर्गत? भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA। नेक्स्ट है, जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना एक उदाहरण है। तो हाथ में बगल में उठाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एबडक्शन। क्या कहते हैं? एबडक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एबडक्शन का। नेक्स्ट है, विषय पाठ के अंत में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कार्यस्थली को इसमें से किस स्थिति में छोड़े? तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, क्रिकेट में जब बाई दिया जाता है तो कितने रन बन सकते हैं? तो इसमें कितने भी रन बन सकते हैं जब क्रिकेट में बाई दिया जाता है। नेक्स्ट है, 12 मिनट दौड़ या पैदल चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? तो कूपर ने 1970 में 12 मिनट दौड़ पैदल चाल को एरोबिक क्षमता यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए, मापने के लिए बनाया था। तो यहाँ पे सहन शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहन शक्ति, एंड्योरेंस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो वो होता है उद्गार यानी इंस्टिंक्टिव थ्योरी। ठीक है, उद्गार सिद्धांत आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस शारीरिक विद्वान का नाम बताइए जिसमें स्वास्थ्य को, जिसने क्या स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाना है। यह परिभाषा किसका है? तो इस बात को कहे हैं JF Williams ने। नेक्स्ट है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? पेल्विक वाला भाग यानी कि हीप वाला जो भाग है, कुल्ले वाला भाग, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज्यादा चौड़ा होता है। नेक्स्ट है, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? दोस्तों, तो लैरिंग्स, जिसे हम कंठ भी कहते हैं, तो वो बोलने में जिम्मेदार होता है, लैरिंग्स। तो दोस्तों, आज के सेशन में 125 क्वेश्चन था।
आई होप कि आप धैर्य बना के देखे होंगे और आई होप कि आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और इसी तरह डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।